आज की वर्कशॉप शुरू करने से पहले हम लोग आपस में एक छोटा सा फटाफट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिवाकर है। बेसिकली हम फ्रॉम दिल्ली, हम करेंटली इन मुजफ्फरनगर। आई एम 21 ईयर ओल्ड, माय हाइट इज 5'8". बैंकिंग का शो करता हूं एंड कंटिन्यू ऑडिशन देता रहता हूं। हां हां, तो यहां कैसे आए? आज मुझे वर्कशॉप का पता चला था, मेज मेकर कार्टून कंपनी के द्वारा, तो आज मुझे ज्वाइन करने के लिए आया हूं। चलिए आप बताएं। सर मेरा नाम विकी सोलंकी है, एज मेरी 21 है और मैं बेसिकली उत्तम नगर से रहने वाला हूं। और एक्टिंग का जो मुझे पता चला वो आपकी यूट्यूब आईडी से पता चला। अच्छा, मैं उससे कहने पाया हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और मेरा नाम राशिद खान है, मेरी एज 46, दिल्ली का रहने वाला हूँ और मैं आपको फेसबुक पे काफी फॉलो करता हूँ। आपकी मैंने चौधरी का टीजर देखा, उसके बाद मैंने आपका इमेज मेकर आपने अलग से पेज बना रखा है उसको मैंने पूरी तरह से देखा। आपने उस पर डिटेल डाली कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कलाकारों को, नए नए कलाकारों को एक्टिंग सिखाने का बीड़ा उठा रहे हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को ये शौक बहुत पुराना है, मुझे कभी चांस नहीं मिला, चांस क्या वक्त नहीं मिला, तो और ना ही मैंने अभी तक कोई काम किया है। तो जब मैंने फेसबुक पे आपको काफी फॉलो किया और आपके काफी सारे टीजर देखे और मैं उसी वक्त से आपका फैन और आपकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने तभी ठाना कि मैं आपसे एक बड़ी फोन पे मैंने बात की। फोन पे बात करके आपसे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस रेट में इतनी सारी दुकानें खुली हुई है उनको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, और जस्टिफाई कर भी ले अगर हम वहां पहुंच जाए, अगर हमारे को कुछ आता है तो डेफिनेटली हमें मना कर देंगे, ना ही हमारा कोई रजिस्ट्रेशन कोई कुछ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनकी इतनी लंबी लंबी मोटी मोटी फीस होती है, वो शायद सिखाए या ना सिखाए वो बात की बात है, वो अपनी फीस ले लेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि एक्टिंग कभी सिखाई नहीं जाती है, एक्टर एक पैदा होता है। अगर जिसने अपनी हिचक निकाल ली, पब्लिक के अंदर स्पीच दे ली और पब्लिक के अंदर वो बोल लिया, तो शायद वो कुछ बोल सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एक्टिंग और आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं रुक नहीं सका और मैं आज आपकी क्लास अटेंड करने के लिए आ गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप तो पिछली बार आए थे ना? यस सर। चलिए, तो पिछली बार आए तो भी आ गए आप? हाँ सर, मुझे अच्छा लगा। मैं काफी कुछ सीखा पहले भी थोड़ा था और फिर सीखने का थोड़ा एक उम्मीद है, कंटिन्यू सीखते ही रहूंगा सर। चलिए, और आप? सर मेरा नाम राजन है। सर मैं हरिनगर से आया हूँ। सर मैंने एक्टिंग में अभी NSD किया है और सर मेरी हाइट 5'6" है। और सर बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप ये मत कहिए कि आपने NSD किया है ना? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसका जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, और वो बड़ों के लिए होता है, बालिकों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए वर्कशॉप्स होते हैं। यस सर, है ना, वर्कशॉप्स होती है। हाँ, वर्कशॉप और सेंटर। हाँ, तो आप टाई टाई की अटेंड की होगी ना? टाई की है ये। हाँ, वो कह सकते हो। हाँ, वो कह सकते हो, है ना? तो ये थोड़ा सा आप मतलब इस पे सुधार करें, है ना? चलिए, और आप? सर मेरा नाम मनीष है और मेरी 5 फुट वो मेरी हाइट 5'3" है और मुझे आपके वर्कशॉप का पता मेरे सर के द्वारा वो थ्रू पता चला, तो मैं ही आया था देखने की क्या हो रहा है, कैसे कैसे सिखाते सर, तो ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ये तो सर आप पहले से भी क्लास ज्वाइन कर ही रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये है कि कौन आएगा सबसे पहले अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए? बोलो। नौरस। हाँ, नौरस, वाह क्या बात है, वैसी बात है, तालियां बजाओ।
अपना नाम दोबारा से अनाउंस कर दो। हाँ, मेरा नाम उदय मिश्रा है और मैं दिल्ली द्वारका पुलिस आया हूँ। मेरी हाइट 5'8" है और मेरी एज 20 ईयर्स ओल्ड है और मैं आज यहाँ पे एक्टिंग का जो नॉरस होता है उसी नॉरस को मैं शो करने वाला हूँ। एक एक डायलॉग में, एक ही डायलॉग को मैं रिपीट करूंगा नॉरस में नो इमोशन के साथ। फर्स्ट फॉर सिंगर्स जो नॉर्मल बेसिक आप बताइए, आप कुछ नहीं बताना, वो आपकी परफॉर्मेंस बताएगी कि वो कौन सा रस है। ठीक है, चलिए। मैं एक कलाकार हूँ और कला ही मेरी जात, घर और ईमान है और इसे संभालने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और इससे तो मुझे खुशी मिलती है, वो बेपरवाह दौलत वाले भी हासिल नहीं की जा सकती, हासिल नहीं की जा सकती। मैं एक कलाकार हूँ और कला ही मेरी जात, घर और ईमान है और इसे संभालने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और इससे तो मुझे खुशी मिलती है ना, वो बेपना दर्द पाकर भी हासिल नहीं की जा सकती, हासिल नहीं की जा सकती। मैं कलाकार हूँ, कला मेरी चार जरूरी बार है, इसे संभालने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है, इससे तो मुझे खुशी मिलती है, वो बेपरा दौलत पाके भी हासिल नहीं किया सकते, हासिल नहीं किया सकते। मैं अकेला बता, अकेला ही मेरे मैं चार जन्म मेहमान है, इससे तो मुझे खुश, इसे संभालने के लिए मैंने दिन रात मेहनत नहीं और इससे तो मुझे खुशी मिलती है, बेपरा दौलत पाके भी हासिल नहीं किया सकते, हासिल नहीं किया सकते। मैं एक कलाकार हूं और कला ही मेरी जात, धर्म और ईमान है, इसे संभालने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और इससे जो मुझे खुशी मिलती है वो बेपरा दौलत पाके भी हासिल नहीं की जा सकती, हासिल नहीं की जा सकती। मैं एक कलाकार हूं और कला मेरी जात, धर्म और ईमान है, इसे संभालने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और इससे जो मुझे खुशी मिलती है वो बेपरवाह दौलत पाकर हासिल नहीं की जा सकती, हासिल नहीं की जा सकती। मैं एक कलाकार हूं और कला मेरी जात, धर्म और ईमान, मैंने दिन रात मेहनत किया है और इससे तो मुझे खुशी मिलती है, ये बेपरवाह दौलत पाकर भी हासिल नहीं किया सकती, हासिल नहीं किया सकती। मैं एक कलाकार हूं और कला ही मेरी जात, धर्म और ईमान है, इसे संभालने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और इससे तो मुझे खुशी मिलती है ना, वो बेपरवाह दौलत पाकर भी हासिल नहीं किया सकती, हासिल नहीं की जा सकती। मैं एक कलाकार हूं और कला ही मेरी जात, धर्म और ईमान है, इसे संभालने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और इससे तो मुझे खुशी मिलती है ना, वो बेपरवाह दौलत पाकर भी हासिल नहीं किया सकती, हासिल नहीं किया सकती। मैं एक कलाकार हूं और कला ही मेरी जात, धर्म और ईमान है, इसे संभालने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है और इससे मुझे खुशी मिलती है, वो बेपनाह दौलत पाकर भी हासिल नहीं की जा सकती, हासिल नहीं की जा सकती। थैंक यू सो मच। तो जनाब, कैसा लगा आपको ये नौ रसों का रस? सर मुझे तो अच्छा लगा, मैंने किया था। नहीं, आपकी बात नहीं, आपने तो किया है। यस सर, भाई आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बढ़िया, आपको ज्यादा अच्छा लगा है ना, आप भी आइए। आप ऐसा कीजिए, मातम छाया हुआ है और कोई डेथ हो गई है, लोग बड़े मायूस से बैठे हैं और आप बहुत ही बड़े कॉमेडियन
हैं? किस कॉमेडियन को आप ज्यादा अपना आदर्श मानते हैं? विजय राज को आप अपना आदर्श मानते हैं, तो आप कॉमेडी में उनको हंसाइए, मातम के टाइम पे हंसाइए। अबे यहाँ तो डर हुई है, अबे डर नहीं है, यहाँ तो बस मस्ती हो रही है, जल्दी आ जा। आजा आजा आजा, भाग के भाग के। अरे जब तो आजा, आंख में आंसू आ रहे हैं हंसते हंसते, देख ले ऐसा हंसते हैं जल्दी आ। अरे इसको तोतला कर दो, तोतला कर दो, तेरा तू भी देखा, तू भी हाथ जो है, हाथ जो है वो चेहरे से थोड़ा नीचे कर लो, मतलब चेहरा छुप जाएगा, चेहरा नीचे। इस्तेमाल उसी तरीके से करना है, अगर हम कैमरे के सामने कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड हमें अपने हाथ चलाने, अगर हम स्टेज पे कर रहे हैं तो हमें जस्चर थोड़े बड़े करने होंगे, जिससे पीछे बैठा हुआ जो दर्शक है वो भी हमारी भावना को, हमारे एक्सप्रेशन को समझ सके। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, एक सिचुएशन और देते हैं आपको। अभी आपने हंसने की, अब रोने की कीजिएगा। शादी है, शादी का माहौल है, सब लोग बड़े खुश है और आप रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? सब अपने हमने देखा है अपने फैमिलियों में, अपने माँ
सोसाइटी में कि जो बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा लेक्चर देते रहते हैं कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, कई को समझ आता है, कई तो बस ऊपर से निकल जाता है। तो सर मैंने भी कुछ ऐसा ही, मतलब समझना चाहिए बुजुर्गों की बातों को या ऊपर से निकाल देना चाहिए? सर अगर हम छोटे बच्चे के नजरिए से देखे तो सर हमें कई बार वो चीज समझ नहीं आती है। सर हम फिर थोड़ा सा उस एक घंटे का मान लो लेक्चर, सर उसमें से एक दो पॉइंट जो समझ आता है, फिर अगर वही हमें अगर थोड़ी सर बड़े में समझाया जाए तो हम उस पर ध्यान देते हैं, और वैसे बच्चे में हम बात कर चले इधर और बस एक दूसरे को पिंच करना, ये करना, वो चलिए आप दिखाइए आपका दिखाना क्या है। से ब्रिल है जो सबको बता रहे, तो वैसे था घर से जब भी बाहर जाए तो अपने घर में बिजाय में अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार है। घर में ये नियम बनाइए कि जब भी हम घर से बाहर निकले तो मंदिर के पास दो घड़ी खड़े रखो, प्रभु 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 चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोल कर ही निकले, क्योंकि भले ही आप लाखों के घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, क्योंकि आप भले ही लाखों के घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है ना। थैंक यू सर। तूने क्या सोचा था बच जाएगा? हमारा दुश्मन अगर पाताल में भी हो तो हम उसे ढूंढ के मौत के घाट उतार देते हैं। तू आ तो गया है लेकिन बच के नहीं जाएगा, हमारे बाप को मगरमच्छ कहने वाले, तेरा वो हल करूंगा जो तेरे बाप का और तेरी बहन का किया था। कुत्ते, ऐसी मौत दूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा ये जो डायलॉग है आपने, मतलब विलन का नेगेटिव करेक्टर नेगेटिव तो आपने काफी इसको हाई पिच पे रखा, अच्छा है, लेकिन आप एक दूसरा अंदाज लीजिए इसी में कि जो डायलॉग है उसको बड़े स्लोली अंदाज में कुछ तो ठीक है दुर्गा समझता है, मतलब वो क्रोध में था, नहीं एक्सप्रेशन का खेल है, एक्सप्रेशन है। हम देखिए, हम अगर कैमरे पे अगर कर रहे हैं जो भी आपने किया अच्छा था, लेकिन वो स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थिएटर चली था, उसमें थिएटर आ रहा था है ना, तो जब उसमें थिएटर आ रहा था तो हम जो काम करना चाहते हैं थिएटर के बाद जो हमारी जो सेकंड स्टेप होती है वो कैमरे होती है, तो हमें ये थोड़ा सा फर्क समझना होगा। अब क्या डायलॉग था आपका, आप मुझे बता दे, ये देखिए मैं थोड़ा सा पहला डायलॉग था हमारा दुश्मन अगर पाताल में भी हो तो हम उसे ढूंढ के मौत के घाट उतारते हैं। उसके बाद था सर सुनिए सर देखिए ना इसको कैसे हम कितने अंदाज हो सकते हैं, देखिए आपने मेरे चैनल में देखिए कुत्ते तुमने क्या समझा था कि बच्चा हम पाताल से ढूंढ कर ले आते हैं, हमसे धोखा नहीं चाहिए।
तो अब फर्क जो है वो आपके सामने जो भाई साहब ने जो किया वो थिएटर में अगर आप कैमरा तो आपको अपने आंखों से खेलना है ठीक है अब जा करके देखें कुत्ते तूने क्या सोचा था नहीं इन मैं कर मैं क्योंकि कैमरा जो है बहुत टाइट पोजीशन अच्छा, होता है टाइट होता है ठीक है ठीक फ्रेम जो है वो टाइट है उसके अंदर अगर आप मूवमेंट करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है समझ गया सिर्फ चेहरा चेहरे को सिर्फ मतलब जाना ओके जी सर चलिए कुत्ते तूने क्या सोचा बच जाएगा हमारा दुश्मन अगर पाताल में भी हो तो हम उसे ढूंढ के मौत के घाट उतार देते हैं तू आ तो गया इस गांव में लेकिन बच के नहीं जाएगा चलिए चलिए वाह आइए नहीं याद नहीं करना है याद नहीं करना है आपको वहां से अपनी जो कुर्सी है वो छोड़नी है और सामने आपके खड़ा होना है और जो माइंड में आए वो बोलते जाना एक्टर का स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है सोचना ज्यादा है वो नहीं मैं क्या सोच कर प्रिपेयर करके हम कंप्यूटर के तरह चलिए जो मान में आए बोलते जाइए बिना धुके 5 मिनट बोलना है आपको सर ये कदम मैंने नहीं किया है आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते ये नहीं किया मैंने जब मैं शाली को लेकर वहां गया था तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मैं सच बोल रहा हूं सर मुझे कुछ नहीं पता ये कदम मैंने नहीं किया है आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए आप समझते क्यों नहीं सर हरी कैसे कैसे इल्जाम आप मुझ पर लगाएंगे और केस कौन सा केस बनकर आप मुझे ठोक देंगे जेल में डाल देंगे मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है मेरी बात का विश्वास कीजिए सर प्लीज प्लीज सर आपके आगे हाथ जोड़ता हूं मैंने कुछ नहीं किया है कुछ भी नहीं चलिए ओके बहुत बढ़िया आप कह रहे थे आपको वो तैयार करके आए नहीं है ऐसा लग रहा था कि तैयार नहीं करके आए पूरी प्रिपरेशन के सामने तो कहने का मतलब यह है कि एक्टर जब भी कैमरे के सामने आता है उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो तुरंत चीजों को समाधान शुरू हो जाए चलिए आप भी हो जाइए अब बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं अरे ऐसे ही है मुस्कुरा रहे चलिए आप सर जो उसने डायलॉग बोला था मैं भी वही बोलूंगा जो वो कुछ बोलोगे सर मैंने यही है सर मेरे को यही कहा वही डायलॉग आता है मुझे अच्छा वही आता है आप दोनों भाई हो ना सर फ्रेंड है यार तुम अपने 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 लिए कुछ सोचो ना कुछ भी सोचो जो उसने बोला उससे उल्टा बोलो उसने बुजुर्गों का भी बोला था उसका वो वाला मतलब वो जो उसमें वो नहीं करना मैं सीधे बोलूंगा बहुत सीधा बोल घर से जब भी बाहर तो घर में भी रहो अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है ऐसा बोलकर ही निकले क्योंकि क्योंकि भले ही आप लाखों की घड़ी क्योंकि भले ही आप लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो पर समय तो प्रभु के हाथ में है ना वाह क्या बात आप कौन आएगा चलो आप लाओ डैडी प्लीज लेक्चर मत दीजिए मैं नहीं समझ सकती कि आप मुझे हमेशा लेक्चर क्यों देते रहते हो उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी वो 2 कौड़ी का आदमी जिसकी औकात में पांव की धूल की जूती के बराबर नहीं है और आप कहते थे ना कि यूएसए मत जा और यही रह के साथ बिजनेस कर तो मुझे बिजनेस मेरे ढंग से करने दीजिए उसे तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहां वो पानी भी नहीं मांगेगा चलिए वाह क्या क्या मामा जब देखो शादी शादी शादी
अभी तो मेरे पढ़ने की उम्र है, अब शादी क्यों करवाना चाहते हो मम्मा? अभी तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है और आप होके शादी करवा कर मुझे पिंजरे में बंद कर देना चाहती है। प्लीज मम्मा ऐसा मत करो, मुझे शादी नहीं करनी। और आप जब भी घर से बाहर जाओ शादी कर ले बेटा, उसका रिश्ता इसका रिश्ता, दिमाग खराब हो गया मेरा आपके रिश्तों की बातें सुन सुन के। मैं मौसी के घर चली जाऊंगी मम्मी, मैं कह देती हूँ मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, बस बस करो मम्मा, मैं हाथ जोड़ती हूँ मुझे शादी नहीं करनी। एक ऑडिशन स्क्रिप्ट है सर। बहुत बहुत मिस्टर खान, शादी करनी है ना तो आपको हमारे बारे में दो बातें जानना बहुत जरूरी है। पहला ये कि वो बाप जिन्हें हम मानते नहीं, और दूसरे वो बाप जिन्हें हम मानना नहीं चाहते। आप किसी की तस्वीर लेकर आए मारने के लिए, अगर कल को कोई आपकी तस्वीर लाकर हमें दिखाए ना कि ये आदमी है, इसका पत्ता साफ करना, तो मां कसम हम देश के किसी भी कोने में हो दौड़े चले आएंगे और आते ही आपका पत्ता साफ कर देंगे। थैंक यू। दोस्तों मैं सीता चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हमने इमेज मेकर में अपना थर्ड वर्कशॉप किया, एक्टिंग वर्कशॉप, जिसमें काफी कलाकार आए, कुछ नए हैं कुछ पुराने, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए उनके साथ बात करते हैं। सर आप बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राशिद खान है। आज मैंने इमेज मेकर की वर्कशॉप अटेंड की, मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, इतना फ्रेंडली है कि अगर कोई भी नया कलाकार यहाँ पर आए और ज्वाइन करे और इमेज मेकर की क्लासेस अटेंड करे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह वो बहुत ही ऊपर और बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर सकता है। तो ये इमेज मेकर की एक बहुत ही अच्छी इमेज है, तो बाकी आगे के कलाकार आपको बताएंगे। एक्चुअली मुझे इमेज मेकर का इमेज फैक्ट्री के बारे में पता चला था बेसिकली आज। बिल्कुल मैं नया हूँ, पहली बार मैंने वर्कशॉप को अटेंड की है तो मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत एक्टिंग का था, लेकिन क्या कहते जैसे नौरस के बारे में आज यहाँ पता चला, मुझे बड़ा अच्छा लगा और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। तो बेसिकली मुझे सबसे अच्छा है कि बेसिकली लोगों को क्या है कि कोई पैसा या कुछ ऐसा प्योर कोस्ट मुझे मोगल लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हमेशा से जैसे अब पुरानी वर्कशॉप हुई है मैंने अटेंड किया है और हर बार कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला, धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा आज, तो बहुत कुछ सीखने के लिए, अलग अलग एक्टिंग देखे हमने, अलग अलग रसों के बारे में जाना, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया है। दोस्तों मेरा नाम विकास सिंह है और इमेज मेकर के ये वर्कशॉप लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दो वर्कशॉप पहले भी ले चुका हूँ, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और आगे भी सीखता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय सोलंकी है और आज मेरी पहली वर्कशॉप है, मैंने यहाँ पे अटेंड किया है, बहुत अच्छा लग रहा है अटेंड करके, लगता है कुछ सीख कर ही जाऊंगा और मुझे लगता है मेरी जो सफलता की जो सीढ़ी थी वो नजर आ चुकी है, बस चढ़ने की देरी है। धन्यवाद जी। मेरा नाम अमन है और मैं इमेज मेकर से काफी पहले ही जुड़ चुका हूँ और आज मेरी तीसरी या चौथी क्लास है जिसमें आज मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे नए नए कलाकार आए और उन्होंने अपने अपने ऐप किए, नया नया तजुर्बा सब, इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, काफी मजा आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खान है, मुझे इमेज मेकर से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं नेक्स्ट ईयर फर्स्ट टाइम आया इसमें, मैं आगे चाहता हूँ और भी आऊँ और भी कुछ सीख के जाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष है और मैं भी आज फर्स्ट टाइम इमेज मेकर में आया हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ पुराने नए उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि सर ने बताया अगर हम यहाँ पर आए तो जैसे कि यहाँ की एटमॉस्फेयर है तो यहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ अपनी स्टोरी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामजीवन है और मैंने ये ज्वाइन किया है, मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर जो सभी कह रहे हैं वो अच्छा है, यहाँ सभी फ्रेंडली है और कुछ हर एक दिन यहाँ पे यूनिक होता है और इसी में हम कुछ बहुत कुछ ऐसे सीख सकते हैं जो हमारे लाइफ में काम आए और हम अपने स्किल से बहुत आगे जा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, सबने अपने अपने अनुभव शेयर किए।